नमस्कार। आज अपना टेस्ट एनालिसिस के लिए वो है SKSSC 19 AAA GL। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये है, अपना क्वेश्चन एरर का, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। हांगकॉन्ग्स हिंटरलैंड अराउंड द पर्ल रिवर डेल्टा इन साउथ चाइना इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, वन ऑफ, हमें पता है कि वन ऑफ के बाद एक प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तो ये अपना रहेगा नो एरर। ठीक है, अगला देखते हैं। वाइल द टू पिल्स रिजेंबल टू ईच अदर इन साइज कलर यू कैन डिस्टिंग्विश देम बाय द नंबर इनग्रेव्ड ऑन ईच वन। कि दो पिल है ना, वो रिजेंबल करती हैं एक दूसरे, मतलब एक दूसरे जैसी ही हैं वो साइज में, कलर में, और आप उनमें फ़र्क बता सकते हो किसके द्वारा, जो नंबर उनके ऊपर लिखा गया है हर एक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड आया है रिजेंबल, ठीक है, और रिजेंबल के साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता, रिजेंबल के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, सीधा आता है रिजेंबल, जैसे कि ही रिजेंबल्स हिज फादर, कि मतलब कि वो जो है ना, वो अपने फादर जैसा ही दिखता है। तो रिजेंबल्स के बाद टू का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर होगा अपना ऑप्शन बी के अंदर। अगला देखते हैं। सम राइटर्स हैव सजेस्टेड दैट दिस विल रिप्लेस ब्राउजिंग। कि कुछ राइटर्स ने सजेस्ट किया है कि जो ये चीज़ है ना, कोई दिस ये चीज़ है, वो रिप्लेस कर देगी ब्राउजिंग को, जैसे हम नेट को सर्फ करते हैं उस चीज़ को, ब्राउजिंग को वो रिप्लेस कर देगी। बट दे मिस द पॉइंट, पर उन्होंने मिस कर दिया पॉइंट को, इस बात को, बाय द माइल, अपना एक ईडियम होता है बाई ए माइल, बाई द माइल नहीं होता अपना, बाई ए माइल होता है, जिसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट से उस पॉइंट को उन्होंने मिस कर दिया है, तो एरर है, द की जगह अपना आएगा ए, ऑप्शन सी के अंदर अपना एरर है। अगला देखते हैं, यह है गेट योर वर्किंग पेपर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, मतलब कि अपनी जॉब से उसको निकाल देना। ठीक है, तो गेट फायर्ड। अगला देखते हैं, नो द रोप्स, नो द रोप्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, मतलब जो भी बारीकियाँ हैं उन चीज़ों को समझ सके, उसको कहते हैं नो द रोप्स। अगला है ऑन टिप टो, टिप टो का मतलब होता है कि ग्रेटली एक्साइटेड, मतलब कि उत्तेजित हो बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ऑन टिप टो। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। द साउंड ऑफ डॉल्फिन्स, मतलब कि जो डॉल्फिन की साउंड है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लिक, कि जो डॉल्फिन की साउंड होती है उसको क्लिक कहा जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है बी क्लक, क्लक होता है कि जो हैन के द्वारा, जो मुर्गी के द्वारा साउंड हो उसको कहते हैं हम क्लक। ठीक है, और होंक होता है कि कार या फिर ट्रेन का जो हॉर्न होता है अपना, उसको कहते हैं हम। ठीक है, और कैकल, कैकल होता है एक लाउड नॉइस, ठीक है, जो लाफिंग के अंदर होती है, जो लाफिंग लाउड नॉइस, ठीक है, उसको कहते हैं हम कैकल। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो अपना रहेगा ऑप्शन ए क्लिक। अगला देखते हैं, ए हार्स टेम्पर्ड और ओवर बियरिंग वुमेन। कि जो चिड़चिड़े स्वभाव की वुमेन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम टर्मागेंट, यानी ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ऑप्शन ए है हेरेटिक, हेरेटिक होता है जो बिलीव ना करे, अनबिलीवर, जो किसी भी चीज़ में विश्वास ना करे उसको कहते हैं। और कोकेट होता है जो वुमेन हु फ्लर्ट्स, जो फ्लर्ट करती है वुमेन, उसको कहते हैं कोकेट। और सिन्हालीज, सिन्हालीज क्या है, एक ग्रुप है श्रीलंका के अंदर, ठीक है, एक ग्रुप है सिन्हालीज श्रीलंका के अंदर, तो उस ग्रुप का नाम है सिन्हालीज। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी हैविंग नो पोलिटिकल पार्टी विद ओवरऑल मेजोरिटी। इसका कहने का मतलब है कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर या फिर कहीं कोई एक बहुमत से सरकार ना बने, ठीक है, किसी के पास भी बहुमत ना हो, तो उस सिचुएशन का कहते हैं, उसको कहते हैं हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं उसको, यानी कि ऑप्शन ए हंग पार्लियामेंट या फिर हंग, ठीक है, जिसके पास कोई ओवरऑल मेजोरिटी ना हो किसी भी पार्टी के पास। सेकेंड ऑप्शन है हच, हच का मतलब होता है केज, कोई पिंजरा, ठीक है। और ऑप्शन सी है कनाइल, कनाइल का मतलब कॉमन पीपल, जो आम आदमी, उसको कहते हैं। और डी ऑप्शन है ओस्लर, ओस्लर का मतलब होता है जो घोड़ों की देखभाल करता है,
हॉर्सेज की जो टेक केयर ऑफ हॉर्सेज कह सकते हैं इसको, जो घोड़ों की देखभाल करता है उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखते हैं, ये है अपना फिलर्स का, इसमें क्या कह रहा है, वी कैन नेवर कंपेयर द इम्पोर्टेंस डैश द मनी विद द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, कि हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि जो महत्व होता है मनी का किसके साथ, इम्पोर्टेंस ऑफ लव। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते थे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ लव यानी कि इम्पोर्टेंस के बाद क्या यूज़ किया गया है, ऑफ यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस के बाद किसका यूज़ होगा, ऑफ का ही यूज़ होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंस के बाद अगर प्रेपोजिशन आती है तो अपनी ऑफ ही आती है, इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज़ इम्पेरेटिव डेट वी ग्रास्प, ठीक है, ग्रास्प का मतलब जो जो चीज़ हम समझ सकें, समझ लें, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रास्प द डैश नेचर ऑफ लाइट। अगर हमने फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें पता होता है कि उसमें जो लाइट का होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, ड्वाइस डबल या डिकोटोमस नेचर नहीं होता अपना, वो होता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है डिकोटोमस, उसका मतलब होता है कि कोई एक्सिस है ना वो डिवाइड किया जाए दो ब्रांचेज में। ठीक है, यानी ये देखिए दो डाई का मतलब होता है दो, जो एक्सिस होता है ना वो डिवाइडेड होता है किसके अंदर, टू ब्रांचेज के अंदर या फिर टू पार्ट्स के अंदर, उस चीज़ को कहते हैं। तो साइंस साइड से जो है उसको पता होगा कि ये ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा अपना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, माई सिस्टर ओफन स्पेंड्स हर मंथली पेंशन ऑन डैश परचेजेस शी नेवर यूजेस, कि मतलब जो मेरी बहन है वो ऐस जो उसकी जो मंथली पेंशन है ना वो ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करती है जिनको वो नेवर यूजेज यानी वो कभी यूज़ नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, ऐसी वही चीज़ें होंगी जो मतलब जिसका कोई सीरियस पर्पज़ ना हो, ठीक है, जो काम की नहीं होगी उनको यूज़ नहीं करेगी। तो ऐसा ऑप्शन है अपना बी फ्रिवलस, यानी कि कोई सीरियस पर्पज़ ना हो किसी चीज़ का, नो सीरियस पर्पज़। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए है फ्रेंटिक, फ्रेंटिक होता है अपना मैड जो पागल होता है। सी ऑप्शन है फ्रोलिक्सम, फ्रोलिक्सम होता है प्लेफुल। ठीक है, और गैरिश, गैरिश का मतलब होता है कि शोवी दिखावटी। ठीक है, तो कैसी चीज़ें वो यूज़ नहीं करेगी जिनका कोई सीरियस पर्पज़ ना हो, जो उसके काम नहीं आएगी उसी चीज़ों को वो यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, तो फ्रिवलस अपना बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, ये अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का, इसमें क्या कह रहा था, रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पोलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो हमें पता है वी वन प्लस आई एन जी है, तो कहीं ना कहीं अपना बींग आएगा और बींग चारों के अंदर है। ठीक है, और बींग के बाद कहीं ना कहीं एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इंटरव्यूड, तो ऑप्शन बी अपना गलत हो चुका है और ऑप्शन डी भी अपना गलत हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुके हैं अपने। अब लास्ट में है कि बाय रिपोर्टर्स और यहाँ पर है बाय द रिपोर्टर, तो यहाँ पे देखिए केवल एक रिपोर्टर है यानी एक सिंगुलर नाउन है, तो अपना एक सिंगुलर नाउन ही रहेगा ना कि एक प्लूरल नाउन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल अपना सही आंसर है। अगला देखते हैं, ये अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यानी है नरेशन का, ये क्या कह रहा है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट देम। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, एक यस नो का क्वेश्चन है, और हमें पता जब यस नो हो तो इफ या वेदर का यूज किया जाता है। शी आस्क द कैप्टन, ठीक है, यानी कि इफ या वेदर का यूज हम करेंगे, तो यहाँ पे इफ है लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी इफ नहीं है, इसमें भी कहीं इफ नहीं है, तो बी एंड सी अपने एलिमिनेट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए डू यू नो, हमें पता है कि यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट में है तो अपना जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा अपना पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, तो पास्ट के अंदर ये तो है नहीं क्योंकि ये एक प्रेजेंट में है, तो पास्ट में क्या रहेगा अपना, ऑप्शन डी ही। ठीक है, तो आंसर डी अपना बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ये हमें इम्प्रूव करनी है ब्रैकेट यानी जो ये पार्ट है वो ठीक करना है। एज सून एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड आई शेल फेवर इट्स अडोप्शन, यहाँ पे इट्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या हम कर सकते हैं, तो हमारा प्लान है
ठीक है, हमारा प्लान है और प्लान को हम अडोप्शन के लिए अप्रूव करेंगे, तो आई शेल फेवर इट्स अडोप्शन, इट्स ये होता है इट इज़, ठीक है, अगर हम इट इज़ यहाँ पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। और आवर हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम हमारा ही अडोप्शन करेंगे, हम अडोप्शन करेंगे किसका, हमारे प्लान का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा कि इट्स अडोप्शन, इट्स का मतलब है यहाँ पे आवर प्लान, ठीक है, हमारे प्लान का हम अडोप्शन करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द कंट्री इज इन एज मच डिसऑर्डर डैट इट विल टेक्स ईयर टू सेट इट राइट, ठीक है, कि मतलब कंट्री के अंदर इतना डिसऑर्डर है, इतनी अव्यवस्था है कि इसको बहुत साल लगेंगे इसको ठीक करने में। तो अपना एक पेयर होता है सो और डैट का, ठीक है, एक अपना पेयर होता है सो और डैट का, तो डैट के साथ सो का पेयर बनेगा अपना, ना कि एज के साथ, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं और ना ही होगा अपना ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी एंड सी। अब इसमें देखते हैं हम कैसे ठीक करेंगे हम इनको, यहाँ पे देखिए सो और डिसऑर्डर है, सो और डिसऑर्डर है, और हमें पता है कि सो एक एडवर्ब है, सो एक एडवर्ब है और डिसऑर्डर एक नाउन है, और कभी भी एडवर्ब के साथ डायरेक्ट को नाउन को हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, और एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब को यूज़ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और मच हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो सो मच डिसऑर्डर अपना आंसर रहेगा, क्योंकि डिसऑर्डर एक अपना नाउन है, मच अपना एक एडजेक्टिव है, और सो अपना एक एडवर्ब है, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना एलिमेंट हो चुका है, क्योंकि एडवर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आ सकता, उसके बीच में एडजेक्टिव का आना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एज सुन एज आई सा द फेरोसियस डॉग देन आई रैन अवे। फेरोसियस का मतलब होता है जो खूंखार हो, जंगली हो, ठीक है, उस डॉग को देखा और तभी मैं वहाँ से भाग गया। तो हमें पता है कि जो नो सूनर होता है ना, उसका देन के साथ पेयर होता है, ठीक है, देन के साथ पेयर होता है, तो नो सूनर वाला अपना आंसर रहेगा, तो नो सूनर है तीन के अंदर, तो ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और नो सूनर जब अपना होता है तो वहाँ पे एक इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट में रहती है अपनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रैन है जो पास्ट के अंदर है, तो हैज़ आने का कोई चांस नहीं है और देन भी नहीं आ सकता, तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा अपने ऑप्शन सी के अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर जो डिड है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट आई से पहले आ गई है, ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये हमें बताना है अपोजिट वर्ड, यानी ये बताना है एंटोनियम। तो क्वेश्चन अपना कैविलियर, कैविलियर का मतलब होता है जो घमंडी हो, जो अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही प्राउड करे, ठीक है, उस बंदे को कहते हैं हम कैविलियर। तो ऑप्शन है अपना ए कॉन्डिसेंडिंग, ठीक है, कॉन्डिसेंडिंग भी कहीं ना कहीं घमंडी या फिर प्राउड के सेंस में ही जाता है, और कर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कंसाइज में बोलना, ठीक है, कम शब्दों में बोलना, उसको कहते हैं कर्ट। और हॉटी होता है, हॉटी भी एक घमंडी ही होता है, ठीक है। ऑप्शन डी है हम्बल, ठीक है, जो हम्बल हो, नर्म हो अपने स्वभाव में, उसको कहते हैं हम हम्बल, ठीक है। तो विनर्म हो यानी हम्बल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका एंटोनियम होगा, ठीक है, और कॉन्डिसेंडिंग और हॉटी इसका होगा सिनोनियम, किसका, कैवेलियर का। अगला देखते हैं, यह हमें बताना है विन वन विच बेस्ट एक्सप्रेसिज, यानी सिनोनियम बताना है अपने को। तो अपना क्वेश्चन है कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है कोई सीरियस थॉट, कोई सीरियस विचार करना, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होता है किसी के ऊपर कंसिडर करना, किसी के बारे में सोचना, तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी है म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन और कोई चीज़ काट देना, अपंग बना देना, म्यूटिलेट कर देना, उसको कहते हैं। ऑप्शन सी है डेलिबरेशन, यानी कि कोई चीज़ जानबूझकर करना, और ऑप्शन डी है सोफिस्टिकेट, इसका मतलब होता है अपना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल ना हो, तो इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, यह है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, तो अपना करेक्टली स्पेल्ट
वर्ड है वो है ऑप्शन थर्ड, ABBREVIATE, एब्रीविएट, यानी कि कोई चीज़ को छोटा बनाना, मेक समथिंग शॉर्टर, ठीक है, कोई चीज़ छोटा बनाना, तो इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।